नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपनी चैनल स्टॉक्स एजुकेशन में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जीवी फिल्म्स लिमिटेड कंपनी में काफ़ी बड़ा ब्रेकआउट आया, तो क्या ऐसे में इस कंपनी को बाई करना चाहिए? कंपनी का लेटेस्ट अपडेट क्या चल रहा है? क्या इस कंपनी को बाई किया जा सकता है करेंट प्राइस पे, या फिर जो लोग इस कंपनी में ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं उन्हें भी इस कंपनी को बेच के निकल जाने में ही भलाई रहेगी? सब कुछ हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें, कोई भी पार्ट मिस न करें। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। दोस्तों सबसे पहले अगर इस कंपनी के 52 वीक लो और 52 वीक हाई की बात करें, तो आप देखेंगे इस कंपनी का 52 वीक लो जो कि 29 पैसे का बना था, कंपनी ने अपना हाई बनाया ₹1.99 का। वहीं अगर इस कंपनी के लास्ट ट्रेडिंग सेशन में क्लोजिंग प्राइस की बात करें, तो ₹1.30 पे यह कंपनी क्लोज हुआ है, इस बात का जरूर ध्यान रखें। अगर इस कंपनी के फंडामेंटल की बात करें, तो फंडामेंटल आपको एवरेज देखने को मिलेगा, यानी कि बहुत ही अच्छा नहीं है तो बहुत ज्यादा वीक भी नहीं है। कंपनी में अगर स्ट्रॉन्ग पॉइंट की बात करें, तो इस कंपनी का इन्वेंट्री आपको देखने को मिल जाएगा जो कि 35 करोड़ का है। वहीं अगर इस कंपनी के ऊपर डेप्ट की बात करें, तो 18.1 करोड़ का डिटेल आपको देखने को मिल जाएगा। तो देखते हैं इस कंपनी के और डिटेल को। दोस्तों अगर इस कंपनी के लॉन्ग टर्म के चार्ट में हम डिटेल देखें, तो आप देखेंगे यह कंपनी अपने 50 DMA को ब्रेक करके उसके ऊपर निकल आया है, तो ऐसे में इस कंपनी में एक बड़ा ब्रेकआउट आपको देखने को मिल जाएगा। अगर इस कंपनी के यहाँ के बाद के टारगेट की बात करें, तो एक रेजिस्टेंस आपको ₹1.40 के पास का देखने को मिल जाएगा। दोस्तों यह कंपनी जैसे ही ₹1.40 का लेवल ब्रेक करके इसके ऊपर निकलता है, तो उसके बाद इस कंपनी का जो अगला टारगेट होगा वो होगा ₹1.85 का, और ₹1.85 के बाद इस कंपनी ₹2.20 तक जाने की कोशिश करेगा। तो देखते हैं इस कंपनी के शॉर्ट टर्म के चार्ट में डिटेल क्या बनता है। दोस्तों अगर इस कंपनी के डेली चार्ट पे हम डिटेल देखें, तो आप देखेंगे यह कंपनी यहाँ पर एक कंसोलिडेशन जोन क्रिएट कर चुका है, तो ऐसे में इस कंपनी में एक बड़ी जंप आपको देखने को मिल जाएगा। आप देखेंगे यह कंपनी अपने जो इनके मूविंग एवरेज होते हैं, जो इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज है, कंपनी उसके ऊपर भी निकल चुका है, जो कि 55 दिनों के मूविंग एवरेज के बराबर है। 55 दिनों का जो मूविंग एवरेज बनता है वो ₹1.26 के पास का बनता है, और यह कंपनी लास्ट ट्रेडिंग सेशन में क्लोज हुआ है ₹1.30 पे, तो यहाँ पे भी एक बड़ा ब्रेकआउट आपको देखने को मिला है। एक और ब्रेकआउट आपको देखने को मिल जाएगा इस कंपनी का RSI लेवल, यानी कंपनी 50 का RSI लेवल ब्रेक करके उसके ऊपर निकल चुका है, तो ऐसे में इस कंपनी में एक बड़ी ग्रोथ आप एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। तो जो लोग भी इस कंपनी में ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं, वो चाहे तो अपना स्टॉप लॉस लगाकर, यानी अपना ही स्टॉप लॉस डेली टू डेली आप चाहे तो ट्रेल करके इस कंपनी को चल सकते हैं, क्योंकि यह कंपनी अगर यू टर्न लेता है तो आपको गिरावट न हो या फिर आपका प्रॉफिट सेव हो, इसीलिए आपको अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करते रहना चाहिए। जिन लोगों को इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना है, कंपनी रिस्की है, इस बात का जरूर ध्यान रखें, उसके बाद भी अगर इस कंपनी को आप बाई करना चाहते हैं, तो बिल्कुल बाई करके चल सकते हैं। कंपनी जैसे ही ₹1.40 का लेवल ब्रेक करके ऊपर निकलता है, तो फिर इस कंपनी में एक और बड़ी तेजी आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।